रहुई प्रखंड में अंतिम चरण में चुनाव होना है, जिसको लेकर अभी से रहुई प्रखंड के सभी 16 पंचायतों में प्रत्याशियों के द्वारा वोटरों के बीच जाकर अपना अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। इसके साथ विकास को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। मंगलवार को हवनपुरा पंचायत में मुखिया प्रत्याशी राकेश रंजन के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया। वही रहुई प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र से जिला परिषद के भावी प्रत्याशी कृति देवी के पति विनोद मुखिया के द्वारा भी हवनपुरा पंचायत के विभिन्न गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस जनसंपर्क में हमें क्षेत्र के युवाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। वहीं गिरियक प्रखंड के नीरपुर पंचायत से वार्ड नंबर 5 से दिलीप कुमार सिंह ने नामांकन करवाया। इस दौरान मुखिया प्रत्याशी राकेश रंजन ने कहा कि जनसंपर्क के दौरान हमें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैंने पिछले 5 सालों के दौरान सरकार के द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है और जो भी बचे हुए काम है, अगर जनता मौका देती है तो आने वाले 5 वर्षों में हवनपुरा पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में बनाने का काम करेंगे। पूर्वी भाग संख्या 23 का मैं जिला परिषद का प्रचार कर रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी कीर्ति देवी यहाँ के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, उन्हीं के मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। मुझे जो समर्थन मिल रहा है, आज दुलचंदपुर गांव में अपन पूरा पंचायत के दुलचंदपुर गांव में आज प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, मुझे यहाँ अपार जन समर्थन मिल रहा है। किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं पंचायत? हम आज तक पंचायत में अभी कुछ पोस्ट पर नहीं हूँ, लेकिन प्रखंड में जो स्तर पर जो भी काम होता है मैं जनता के साथ हिल मिल के जुटा रहता हूँ। किसी भी परिस्थिति में कोई भी जनता का काम आता है उसको निपटारा करने प्रसार किया जा रहा है। मेरा नाम राकेश रंजन है, हवनपुरा पंचायत के मुखिया पद के लिए, ग्राम दुलचंदपुर है, यहाँ हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनता का, खास करके युवाओं का, माताओं बहनों का, सभी का सहयोग प्यार मिल रहा है। 15 साल बनाम 5 साल में हम जो काम किए हैं, सरकार के जो स्कीम है उसको उतारे हैं, चाहे गली हो, नली हो और नल का जल योजना हो, सारा स्कीम पर काम किए हैं। इस बार किस मुद्दे को लेकर जाएंगे पंचायत चुनाव में? इस बार है जो गली नली बच गया है और नल का जल जहां तहां जो बाकी रह गया है उसको मेरा प्राथमिकता रहेगा। जो भी गली बच गया है उसको प्राथमिकता के आधार पर पंचायत वार्ड नंबर 5 ये बोल रही है। अच्छा, पिछले 5 साल में किस तरह काम हुआ वार्ड में? वार्ड में इससे अच्छा ही काम होते ही आ रहा है और आगे भी होते ही रहेगा। पिछला वार्ड आप फिर ठीक है? नहीं, पिछला वार्ड हम नहीं थे। तो किस तरह को विकास किया वार्ड में? वार्ड में विकास मतलब जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पाया है। अच्छा, लेकिन अब आगे अगर मतलब कि अगर हम वार्ड बनते हैं तो उससे बेहतर काम करके देने का प्रयास करेंगे।